तो दोस्तों एक बार क्या हुआ भाई। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है और हम लोग कल का जो व्लॉग शूट हुआ था उसमें हम लोग कहीं जाने वाले थे, बट बारिश की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया और रात भर बारिश हुई है। तो हम लोग अभी आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि आज का मौसम कैसा है। आपका देख सकते हो बहुत ही ताबड़तोड़ मौसम है दोस्तों, और हम लोग जॉगिंग करने के निकले गाड़ी में गाड़ी में जॉगिंग करने के लिए निकले हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं बहुत ही गरीब गरीब यूट्यूबर हूँ दोस्तों, मैं गरीब हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए। आप मुझे सपोर्ट करिए, एक कुछ एक बार हम सोचना नहीं है, पता सिर्फ जो चल रहा है ना बोल रहा है। अरे तो बोला था ना, हंसी मजाक। आज दोस्तों हम आप लोगों को एक दोस्त का फार्म हाउस लेके जाएंगे, दिखा सकते हैं अगर जाना हुआ तो, अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो मस्त प्लान है। और जाएंगे एक और अच्छी जगह पे। खेती होती है, किसान है ना जो। मैं नहीं बोला ते बोल, मैं तो बताता हूँ। नहीं नहीं बोला नहीं, सब चली वे, सब चली, नहीं चले रहे सब भाई, चलेंगे, सब चलवे नहीं करे ना, चलवे नहीं। बात तो सही है। तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मोंकी एक्स में। और कल के व्लॉग में मैंने डाला था कि कहीं मंडाई का कार्यक्रम है मेरे बगल वाले गांव में, तो वहां जाके आपको दिखाने वाला था, बट क्या हुआ कल शाम से बारिश इतनी हुई है कि हम लोग वहां पे जा नहीं पाए। ये क्या बात करता है यार। आज के वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको फार्म हाउस दिखाऊं। एक मेरे दोस्त है जिनका फार्म हाउस है, वहाँ पे सब्जी का मतलब खेती वगैरह करते हैं, तो हो सकेगा तो मैं वहां लेके चलूंगा दोस्तों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो और कुछ बोलना था क्या? और कुछ बोलना था? हाँ, तो आज का मौसम आप देख सकते हो, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। सुबह से मौसम है, कल रात भर बारिश हुआ है, अभी छोड़ा है। तो हम लोग टहलने के लिए निकले हैं सड़कों पे, तो अगर ऐसे मौसम का मजा लेना है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। दोस्तों आपको लगता होगा बंदर का आतंक, बंदर का आतंक सब जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर लोग आए हुए हैं, और इधर भी कुछ बंदर हैं। कहाँ गए भाई वो देखो, तो कचहा बादाम खा रहे हैं दोस्तों। बादाम बादाम है दादा, कचहा बादाम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बादाम का पेड़ है, और बादाम के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है बंदर, और ये कचहा बादाम खा रहा है दोस्तों। ये देखिए नुकसान, वो देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके का, आप देख सकते हैं कितने का चलवा रहा है भाई। के रुपये किलो है भाई? 102 रुपये किलो। पेट्रोल का भाव चल रहा है दोस्तों। एक किलो कितना चलवा रहा है? एक किलो। मौसम ही ऐसा है दोस्तों कि ठंड है, बट नहीं के बता रहा है, हेमलेट नहीं है दोस्तों। हार ना हमेशा दीजिए दोस्तों, हार ना सामने कोई रहे चाहे मत रहे, हार ना आपको देते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई अंधे भाई। वही तो दोस्तों, वही तो मैं भी बोला दोस्तों। नाश्ता वास्ता कुछ है क्या? महोदय जी के साथ हम लोग जा रहे हैं भिलाई। थोड़ी दूर के बाद पानी भरा हुआ है, बहा जाएंगे आप लोग। है ना, ऐसा तो मेरा जीवन चल रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भिलाई। क्यों जा रहे हैं भाई भिलाई? अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करें व्लॉग में, ठीक है? आपका नियम है महोदय जी, आप करिए, निश्चिंत होके करिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घूमने का प्लान है, देखते हैं भिलाई घूम के आते हैं, शहर घुमा के लेके आता हूँ मैं आपको। मस्त प्लान है।
पानी स्टार्ट होने के चक्कर में हमको रुकना पड़ा दोस्तों, हम लोग जा रहे थे बिरगांव में, स्मोकिंग किल्स का हो रहा है तो यहाँ पे पानी स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं तो चाय का दीवाना भाई, समोसा खाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, नदी हल्की हल्की बारिश हो रही है दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम लोग शहर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग डर डर के गाड़ी चला रहे हैं, कोई छींटा ना मार दे यहाँ पे, क्योंकि बारिश इतनी हुई है, आप देख सकते हैं पानी ठीक है। एक मिनट यार, बहुत देर से आप लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा होगा ठीक है, तो वापस से हम लोग तो सही स्पीड में जा रहे हैं, बस पीछे कुछ कछुए चल रहे हैं, उन कछुओं का इंतजार कर रहे हैं यार, बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं। देखो बच्चे को खड़ा करके दारू लेने गया है, बच्चे को खड़ा करके वो भाई साहब दारू लेने गए हैं, ये गलत चीज है भाई, इन सब चीजों को सीखना चाहिए यार, मैंने ऐसा कभी किस की तो फाइनली कछुए पहुंच चुके हैं, इधर से जाएंगे नेहरू नगर चले। तो फाइनली हम लोग हाईवे NH चढ़ने वाले हैं, NH के थ्रू अपन जाएंगे नेहरू नगर। पानी बढ़ गए फाइनली हम लोग भीगने के कगार पे हैं दोस्तों, पानी इतना बढ़ चुका है, कहाँ चले जगह ही नहीं है भाई। हम लोग बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ गया दोस्तों। ये जगह कौन सा है, ये शंकराचार्य कॉलेज है, ये तो कॉलेज है ना, कैसा लग रहा है कॉलेज आके? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये नीरू का कॉलेज है दोस्तों, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ना, और नीरू का काम चल रहा है यहाँ भी पढ़ाई के बाद पार्ट टाइम जॉब नीरू का, यहाँ पे अपना नीरू का काम चलता है पार्ट टाइम यहाँ पे। और ये सीनियर, इस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट सर, कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। चार लगा। आप देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है दोस्तों, ये देखिए संसद भवन है दोस्तों, भिलाई का संसद भवन, और बहुत ही यहाँ पे राहुल गांधी जी आए हुए हैं। मैं भीगते ब्लॉगिंग कर रहा हूँ दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज दोस्तों, वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए दोस्तों, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं भीगते ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ चार दोस्त भी निकले हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, वापस से फिर नेहरू नगर चौक में रुकना पड़ गया दोस्तों, वापस से नेहरू नगर चौक में रुकना पड़ गया है। आप पीछे देख सकते हैं ग्रैंड गैलन होटल है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी देता रहूंगा। अभी लगे बोल हवे उतना कटत रही, 3 करोड़ रुपए दे इधर तक लाए, हाँ इसे घुमाए बस, मतलब एक सीधा बने दी एक कट तो ज्ञान मिल रहा है दोस्तों, आप भी अर्जित कीजिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये घूर के देख रहे हैं दोस्तों, शायद हम लोग को देने वाला है बच्चे,
क्या है, पी पी के तो पागल हो गए थे भाई। Cheers. तो बिगड़ा था चिकन मुल के चक्कर। मैं नहीं बिगड़ा था महोदय जी, केवल मुल बिगाड़ा थे। मैं तो बिगड़ के सुधार भी गया। कहते थे चाय का जैसे बहुत ही ताबड़तोड़, चाय का जैसे एकदम ताबड़तोड़ है दोस्तों। बारिश का मौसम है दोस्तों, पानी तो गिर रहा है, अपन जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। तब तक टाइम पास, दुर्योधन के द्वारा जो हमारे ऊपर पानी की वर्षा कर किया जा रहा है जी, क्या हम रथ को आगे बढ़ाएं? बढ़ाइए। चलो पगला, देख भाई हुमेल दी खतरनाक। पानी थमा है दोस्तों, और पानी जैसे थमा है ना, सोच रहे हैं निकल जाए, निकल जाए नहीं, ऊपर से चलो ना। हाँ ऊपर से व्यू बढ़ेगा, ऊपर से क्या है, व्यू मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। अपना एम्बुलेंस उठा रहे हैं ये रथ को, उठा लीजिए। बार बार रुकना पड़ रहा है यार, अब आप लोग गलत समझोगे। अब हम लोग ये पानी खेलने के बाद रुके हैं तो आप गलत समझोगे। इसमें हमारी गलती नहीं है ना दोस्तों, पानी गिर रहा है तो हमारी क्या गलती है भाई, समझ रहे ना बात को। ये सामने अंकल जी खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कीचड़ वीचड़ लग गया है शर्ट पे। मैंने पहली बार देखा तो मेरे को लगा कीचड़ ही लग गया करके। वो देखिए फुल इंजॉय करते हुए दोस्तों। आज का दिन ही पूरा खराब हो गया दोस्तों, मैं थक गया हूँ रुक रुक के, यहाँ रुकना वहाँ रुकना रुक रुक के, कभी मनीष के दुकान में रुकना, मनीष जेली नीच। कैसे महोदय जी? मत पूछो भाई, परेशान है यार। एक लगे वाली मोर से कसम का इतना बिल्कुल दिया। आप बोलो। अरे यार सही से सही सब कौन जाते, इतने लोग हैं पकड़ के किचन जनक मुड़ जाएगा। राधा रानी कृपा बरसाए रखा, पानी बरसा दिया। ये कौन सी कृपा है? इंद्रदेव वाला बताएगा बीच। फाइनली हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं, सेक्टर 9 हॉस्पिटल। जैसे आप कितने घंटों के जद्दोजहद में पहुंचे? दो ढाई घंटे लग गया, 3 घंटा। सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में है और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक सीन लग रहा है, बहुत ही खतरनाक सीन लग रहा है दोस्तों। और इधर से हनुमान जी का मंदिर है, हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाने के जो सेक्टर 9 का आने के लिए निकले थे, लेकिन मेरे को इधर देख के मेरी हालत ख़राब हो गई, तो फट के चार आ गया। हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 9 के श्री हनुमान जी के मंदिर, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की मान्यता तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हनुमान जी का। इन लोग का क्या बात चल रहा है आपको सुनाता हूँ मैं। ये देखिए हनुमान मंदिर जा रहे हैं, बोले बिरयानी। जय श्री राम। बोलो श्यावा रामचंद्र की।
रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, कौन सुत हनुमान की जय। यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो तुम? काफ़ी प्राचीन मंदिर है जैसा कि मेरे को पता है, जहाँ तक मेरी उम्र है अभी जो भी है। आप कुछ बता सकते हैं भैया यहाँ के बारे में, कुछ यहाँ मंदिर के बारे में? ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी, सेक्टर 9 हॉस्पिटल की जी। और जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं, पेशेंट के साथ साथ जो जानकार जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी बहुत बड़ी आस्था इस मंदिर को लेकर जी, क्योंकि हर व्यक्ति की मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुई है। बहुत बीमार से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ होकर भगवान जी की कृपा से स्वस्थ होकर यहाँ जाता है, जो यहाँ पर आकर मत्था टेकता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, आइए बजरंगबली की जय, बोला बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मॉल के सामने। ये मॉल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सूर्या मॉल है भिलाई का। दोस्तों हम लोग अभी आए हैं, कितने से निकल चुके हैं, अभी आए हैं सूर्या मॉल के पास, और यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। ये मॉल देख सकते हैं बहुत ही पुराना, मतलब बहुत पुराना नहीं है, कितने साल हो गए? 2.5 करोड़ साल पहले। 2.5 करोड़ साल पहले नाश्ता पानी हो गया दोस्तों, लेकिन चाय के मतलब पीना, चाय के बिना जिंदगी अधूरी है, है कि नहीं? मतलब चाय का मजा ही कुछ और है। चाय पीना बहुत जरूरी है दोस्तों, शरीर को गर्म करना जरूरी है। कैसे महोदय जी? तो दोस्तों दिन भर की तपस्या के बाद सूर्य देव अभी नजर आए हैं। चलिए गाड़ी निकालिए। मान भाव कुछ कहना चाहेंगे? तो ये सूर्य मॉल अपन लोग का आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब निकलेंगे घर, है ना? अब आगे का तो पता नहीं क्या होगा, बट निकलेंगे फिर समझ आएगा कि कहना क्या है आगे। चल भाई गाड़ी निकाल। तो बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों, मौसम इतना अच्छा था आज का, और अभी शाम के कितने बज रहे हैं, एक मैं समय देख लेता हूँ। मैं शाम के बज रहे हैं 4:30, और अभी सूर्य देव जी प्रकट हुए हैं। अब हम लोग पलायन कर रहे हैं घर की ओर, घर जाएंगे। और बहुत ही लंबा सफर है, करीब 1 घंटे का। बाय बाय भिलाई, तैयारी दोस्तों, ना ले भाई आप चले जाओ पहले, कल की ओर वापसी हो रहे हैं। ये सही है, 1 नंबर। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और कुछ कमी हो गया या फिर और कुछ बताना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर बताइए, क्योंकि अपने को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे ऊपर तक जाना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।